तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। एक तरफ फुकरे थ्री जो कॉमेडी का कंटेंट लेकर जो धूम मचा रही है लगातार अपने ओपनिंग डे से कल संडे एंड डे तक की बात करें तो, वहीं दूसरी तरफ जवान मसाला एक्शन का जो कंटेंट लेकर अलग ही धूम मचा रही है स्टिल, जो अभी आज 26वां रनिंग डे है लेकिन बात करेंगे कल 25वें संडे एंड तक की क्या कैसी कमाई रही है, कितना प्यार मूवी को मिल रहा है। तो फुकरे थ्री मैं कहूँगा ये टक्कर दे रही है जवान को, और बाकी जो वैक्सीन वॉर है और जो द ग्रेट इंडियन फैमिली मूवी है वो इतना टक्कर नहीं दे पाई, लेकिन हाँ फुकरे थ्री ने अच्छी लेगेसी जो पकड़ी है, पहले और दूसरे पार्ट को जैसा प्यार मिला था वैसा ही प्यार इस मूवी को भी मिल रहा है। और यस कॉमेडी के नाम पर ज़बरदस्त है और आपको मज़ा भी आएगा, तो जिसने नहीं भी देखी है मैं तो रिकमेंड करूँगा आप देख के आइए, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कॉमेडी एकदम भरपूर मिलने वाली है, फन एकदम मिलने वाले, अपने चूचा भाई का वही अंदाज देखने को मिल रहा है, हनी भाई का अंदाज देखने को मिलने वाला है, लाली जो हमारे पाजी हैं वो अलग ही हिसाब किताब में आपको कॉमेडी की फनकार देखे जाएंगे। उसके बाद पंकज त्रिपाठी ने जो वन लाइनर में जो डोमिनेट किया है भाई, ये बंदा खा गया है कसम से, जब भी स्क्रीन टाइम इसका आया है ऑसम आया है। तो मूवी को अच्छा खासा प्यार मिल रहा है, जनता काफ़ी प्यार दे रही है, दूसरी तरफ जवान को भी अच्छा खासा प्यार मिल रहा है। तो बात करते हैं अभी फुकरे थ्री की कैसी क्या कलेक्शन रही है, पहले दिन से ओपनिंग डे कितनी कलेक्शन रही, उसके बाद कल संडे एंड डे तक कितनी रही है, और अभी टोटल कितना कलेक्शन ये कर चुकी है और कितनी कमाई ये और कर सकती है। तो फर्स्ट ओपनिंग डे की बात करें तो 8.82 करोड़, इट मीन्स ये कि 9 करोड़ अराउंड में मान के चलो का टोटल फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था फुकरे थ्री का, अमेजिंग था। उसके बाद फ्राइडे सेकंड डे पे मूवी ने कलेक्शन किया था 7.81 करोड़ का, ज़बरदस्त था वो भी, अराउंड में 8 करोड़ ही मान के चलो। सैटरडे में ह्यूज करते हुए उछाल मारते हुए मूवी ने 11.67 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया है। वही बात है, अगर यहाँ पर जवान मूवी ना चल रही होती तो फुकरे थ्री के जो ये नंबर्स हैं, जो सैटरडे को 11 करोड़ देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली ये नंबर्स 18 करोड़ या 19 करोड़ देखने को मिलता अगर यहां पर कोई कंपटीशन ना होता, जवान जैसी मूवी का, दिग्गज मूवी का कंपटीशन ना होता तब। लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन वॉर जो सेम डे को रिलीज करी गई है, भाई साहब ये मूवी बहुत ज्यादा सरवाइव कर रही है। पहले दो दिन में ये मूवी 3 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई थी, ओपनिंग डे का आई थिंक मैं बताऊं तो 80 या 85 लाख के आसपास इसका कलेक्शन रहा था, और यह मूवी जबरदस्त सरवाइव कर रही है। लेकिन वही बात है कि मसाला और कॉमेडी ये जो कंटेंट है ये डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जो रियल बेस पर, रियल स्टोरी के बेस पर जो मूवी बनाई गई है वो बिल्कुल बहुत सरवाइव कर रही है। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूं, मैं अगर आपको बताऊं तो वैक्सीन वॉर जैसी मूवी को स्किप मत करो, मिस मत करो, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मूवी है। ये उस टाइम की कहानी बताएगा जब कोविड के टाइम पे हमारे डॉक्टर्स ने कैसी कैसी क्या मुसीबतों के बाद वैक्सीन बनाई हैं, कितना कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, कितनी चीज़ें उनकी रनिंग लाइफ, क्योंकि एक ह्यूमंस की जो लाइफ थी हम सब ने वो फेस किया था, जो हमारी पर्सनल लाइफ थी वो उनकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन वो सब अपनी पर्सनल लाइफ को एक बार के लिए सेक्रीफाइस करके उन्होंने जो काम किया था ज़बरदस्त काम किया था। तो उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, बारीकी से दिखाया गया है। जो कश्मीर फाइल्स में जो जैसी चीज़ हमें देखने को मिली थी वही चीज़ वैक्सीन वॉर में भी देखने को मिला है, क्योंकि डायरेक्टर सेम है, और वाकई में दिल को छू जाएंगी वो बातें, आपको एक वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी जो हमने फेस करा था। तो मैं आपसे कहूँगा वैक्सीन वॉर मूवी भी जाकर जरूर देखो। बाकी फुकरे थ्री जवान तो सब देख ही रहे हैं, इसको तो प्यार मिल ही रहा है। तो अभी मैं बताऊं कल संडे एंड तक फुकरे थ्री का क्या कलेक्शन रहा था, 15.18 करोड़ का। भाई साहब तीसरे चौथे दिन तक आते आते इस मूवी ने ह्यूज कलेक्शन किया, क्योंकि यहां तक अभी पॉजिटिव रिव्यूज मिलने लगे थे, बाकी जनता भी अच्छा प्यार देने लग गई थी, पब्लिक रिव्यू भी अच्छा खासा मिल रहा है फुकरे थ्री को। लेकिन वही बात है, अगर जवान ना होती, क्योंकि जवान ने इस टाइम क्या किया है, जवान ने इस टाइम बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चला रखा है, तो वही बात है कि सस्ते में एंटरटेनमेंट किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो ज़्यादा पैसा वहाँ खर्च करने से अच्छा है ज़्यादा पैसा यहाँ खर्च कर दिया जाए। तो वही बात है, फुकरे थ्री को इतना ज़्यादा सर्वाइव करने पड़ा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, जवान जैसी दिग्गज मूवी के होने के साथ साथ भी फुकरे थ्री ने कल संडे एंड ऑफ द डे तक 43.48 का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है सिर्फ पहले 4 दिन में ही। तो ह्यूज कलेक्शन है, और आने वाले कुछ ही टाइम में ये मूवी 150 करोड़ कब कंप्लीट कर जाएगी,
पता भी नहीं चलेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मूवी 200 करोड़ के आंकड़े को तो टच करेगी ही करेगी, क्योंकि यस रिव्यूज बहुत अच्छे मिल रहे हैं क्रिटिक्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से। उसके बाद बात करें दूसरी फिल्म यानी जवान की, तो भाई जवान स्टिल ऐसी धूम मचा रही है, जबरदस्त धूम मचा रही है। अभी आप सैटरडे और संडे की कलेक्शन का जो डेटा है उसको कवर अप करेंगे कैसी क्या रुझान रहा है, क्योंकि सैटरडे को 24वां दिन था जवान का और संडे कल था 25वां दिन, और 24वें और 25वें दिन में कैसी सॉलिड ग्रोथ करी है उसके बारे में बात करते हैं। सैटरडे को धमाका कर दिया, जी हाँ, सिर्फ हिंदी से ये मूवी सैटरडे को 8.27 करोड़ की कलेक्शन लेकर आई थी, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिलाकर तमिल तेलुगु और हिंदी को मिलाकर 8.46 करोड़ का हो चुका था। क्योंकि यहाँ पर साउथ से अब कलेक्शन कम देखने को मिल रहा है जवान को, क्यों, क्योंकि वहाँ स्कंदा मूवी चल रही है रामपुथिनिनी की, तो वही बात है कि साउथ में बॉलीवुड की या हिंदी मूवी को इतना फुटेज नहीं मिलने वाला है। तो पूरी दुनिया से इस मूवी ने सैटरडे को किया था अपने 24वें दिन में 15 करोड़ की कमाई, और टोटल हिंदी कलेक्शन पहले 24 दिन तक हो चुका था 538 करोड़। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन, ये मूवी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड क्रिएट करे जा रही है, सेट करे जा रही है इतनी कलेक्शन। तो मैं कह रहा हूँ कि फुकरे 3 की लाइफ टाइम कलेक्शन इतनी नहीं होगी जितनी जवान की हिंदी से कलेक्शन हो चुकी है 538 करोड़ सिर्फ सैटरडे की, परसों की बात कर रहा हूँ, अभी आज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो ये और भी ज़्यादा 550 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है ये मूवी। तो वहीं अगर कल संडे की बात करें, संडे में भी अमेजिंग ग्रोथ रही, ह्यूज कलेक्शन आई है संडे में, मतलब इन फुकरे 3 को छोड़कर, फुकरे 3 ने तो अपना हिस्सा ले ही लिया, बाकी जो और भी मूवी चल रही है रनिंग में, द ग्रेट इंडियन फैमिली हो गई, वैक्सीन वॉर हो गई, साथ में गदर 2 भी चल रही है, इनको जबरदस्त तरीके से रौंदा है। तो संडे की अगर मैं बात करूं कल कितनी कमाई आई है, कल मूवी ने 9 करोड़ का हिंदी से कलेक्शन किया है, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन तमिल तेलुगु और हिंदी को मिलाकर 9.3 करोड़ का कलेक्शन रहा है, और ग्रॉस से इस मूवी ने 12 करोड़ की कमाई करी थी, और कल पूरी दुनिया से ये मूवी 16 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में लाते दिखी है। तो इसी के साथ सिर्फ हिंदी से ये मूवी 25 दिन में ही 547 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख लिया है, और पहले 25 दिन में ही नेट इंडियन कलेक्शन से ये मूवी 604 करोड़ के आंकड़े को कवर अप कर लिया। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन, नेट इंडियन कलेक्शन से 600 करोड़ पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अमेजिंग कलेक्शन किया है, नंबर वन मूवी बन चुकी है जो फास्टेस्ट 600 करोड़ के आंकड़े को कंप्लीट कर लिया है मात्र 25 दिन में ही। अभी तो मूवी 50 दिन चलनी बाकी है, क्योंकि जब पठान चली थी 50 से ज़्यादा ही दिन चली थी, तो जवान का तो इससे भी ज़्यादा चलना ही चलना है। लेकिन हाँ, मिशन रानीगंज जब ये मूवी रिलीज होगी उसके बाद जवान का ग्रोथ स्लो हो जाएगी, लेकिन हु नोज, क्योंकि जवान यहाँ तक फुल कमाई कर चुकी है। अब यहाँ पर ये बाय वन गेट वन जो फ्री का स्कीम चल रहा है, अगर ये बाय वन गेट टू फ्री भी कर देंगे तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अमाउंट आता है तो ऐसा कोई थोड़ा सा भी आएगा लेकिन इनके कलेक्शन में रोज जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो नई ताजी फिल्में होंगी इनकी धज्जियाँ उड़ने वाली है। इसके टाइम पर जो जो मूवियाँ आ रही हैं, जो बड़ी बड़ी मूवी आ रही हैं, फुकरे 3 कोई छोटी मूवी नहीं है, वैक्सीन वॉर कोई छोटी मूवी नहीं है, बहुत बड़ी मूवी है, अपने कंटेंट के किंग है ये फुकरे 3। ये सीक्वल थर्ड पार्ट तक इसलिए आया क्योंकि पहले और दूसरे पार्ट को बहुत ज्यादा प्यार मिल रखा था। उसके बाद वैक्सीन वॉर, इस मूवी का जो कंटेंट है बिल्कुल रियलिटी बेस पर कंटेंट है, जो चीज हम सब देख कर आ चुके हैं वही चीज अब दोबारा हमें अच्छे से बारीकी से देखने को मिल रही है, हमें जानने को मिल रहा है कि क्योंकि हमने क्या देखा था उस टाइम पे, सिर्फ अपने सामने की लाइफ देखी थी, अपने प्रेजेंट की लाइफ देखी थी, अपनी सोसाइटी की लाइफ देखी थी, बट इसके पीछे जगह जगह और क्या क्या चल रहा था, डॉक्टर्स की लाइफ में क्या परेशानियां आ रही थी, वो सब चीजें वैक्सीन वॉर में कवर अप करा गया है। मतलब पर्दे के पीछे वही वाली बात है, आपकी जिंदगी में तो जो तुम देख रहे थे वो तो देख ही रहे थे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो चीज उसमें दिखाया गया है, और जबरदस्त है। मैं फिर रिकमेंड करूंगा, मैं फिर कहूंगा वैक्सीन वॉर जरूर देख के आओ, जबरदस्त मूवी है। उसके बाद अभी बात करते हैं जवान ने कल 25वें दिन तक एंड ऑफ द डे तक पूरी दुनिया से कितनी कमाई कर ली। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन, 1084 करोड़ का कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक जवान ने कर लिया था, और आने वाले दो दिन में नहीं कहूंगा, 4 दिन के अंदर ही अंदर ये मूवी 1100 करोड़ कब कंप्लीट कर जाएगी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो जवान लगातार धुआंधार कमाई करते नजर आ रही है, ग्रोथ करते नजर आ रही है। दूसरी तरफ फुकरे 3 भी अब जबरदस्त कमाई करते नजर आ रही है।
शुरुआत स्लो थी, लेकिन यस अब धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा क्योंकि फुकरे 3 को पब्लिक से बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। तो अगर आपने दोनों ही फिल्में देख ली तो आपको दोनों फिल्में कैसी लगी, और जिसने वैक्सीन वॉर भी देख ली है वो आपको कैसी लगी, तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।